सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के यह चार नियम कैसे और कब आए जिसे आम लोग नहीं जानते। क्रिकेट का खेल अपने अनोखे और काफी लंबे नियमों के लिए जाना जाता है जो इस खेल के अलग अलग फॉर्मेट्स को बनाता है। हालांकि दूसरे खेलों की तरह इसके नियम मैरिलबोन क्रिकेट क्लब MCC द्वारा बनाए गए हैं, जो संस्था इस खेल में समानता बनाने का ध्यान रखती है। जैसे इस खेल का स्वरूप बदला है और तकनीकों के कारण मॉडर्न बना है, इस खेल में कुछ ऐसे भी नियम है जो अभी तक लोगों की नजरों से दूर है। हालांकि कुछ ऐसे नियमों को क्रिकेट के बड़े से बड़े प्रशंसक भी नहीं जानते हैं जो MCC द्वारा बनाए गए है। एक, गेंद खोने का नियम। जब गेंद खो जाती है और वापस न आने की स्थिति हो तो फील्डिंग टीम गेंद खोने की अपील करती है। नियमों के अनुसार उस गेंद को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है और उसे बदल दिया जाता है। नए गेंद उसी हालात की होती है जैसे पहले वाली थी। बल्लेबाजी करने वाली टीम को रन दिए जाते हैं गेंद खोने से पहले, चाहे उन्होंने वो रन उन्होंने दौड़ कर लिए हो या बाउंड्री मार्च कर रन गेंद को मारने वाले बल्लेबाज के खाते में जोड़े जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो रनों को अतिरिक्त रनों में जोड़ दिया जाता है। यह एक सामान्य बात है, पर एक अंपायर बिना अपील के बल्लेबाज को आउट करार नहीं दे सकता है। क्रिकेट के 27वें नियम के अनुसार बिना अपील के बल्लेबाज को आउट करार नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई बल्लेबाज जाता है तो अंपायर को उसे रोककर बताना होता है कि वो आउट नहीं है। ऐसे में वो बल्लेबाज को वापस बुलाता है और गेंद को मरा हुआ घोषित किया जाता है। फील्डिंग टीम गेंदबाज के अगली गेंद के लिए रन अप शुरू करने से पहले कभी भी अपील कर सकती है। दो, मांग का डेंग। इस नियम का पहली बार इस्तेमाल 1947 में हुआ जब भारतीय गेंदबाज वीनू मांगकर ने ऑस्ट्रेलिया के बिल ब्राउन को आउट किया था। ऐसा तब होता है जब नॉन स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले क्रीज से बाहर चला जाए तो गेंदबाज उसे विकेट उड़ाकर आउट कर सकता है। इसे मेन कडिंग कहा जाता है। जब मेन कडिंग होता है तो क्रिकेट के नियमों के अनुसार इसे एक गेंद नहीं माना जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो गेंद को मरा हुआ घोषित किया जाता है। सफल होने पर यह एक रन आउट माना जाता है और यह विकेट गेंदबाज के खाते में नहीं जुड़ता है। हाल ही में 2014 में इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर को क्रीज के बाहर पाकर श्रीलंका के सचित्रा सेनानायके ने एक दिवसीय मैच में उन्हें आउट किया था। सेनानायके ने अंपायर और बल्लेबाज दोनों को पिछले ओवर में इसकी चेतावनी दी थी और जब बटलर फिर से बाहर गए तो सेनानायके ने विकेट को गिराकर बटलर को आउट कर दिया था। तीन, चोटिल खिलाड़ी की सीमाएं। हम सभी को पता है कि जब कोई खिलाड़ी मैदान छोड़ता है तो कुछ नियम होता है। फील्डर को अंपायर से अनुमति लेनी होती है और मैदान छोड़ने से पहले उन्हें बताना होता है। अगर कोई खिलाड़ी अंपायर को नहीं बताता है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 अतिरिक्त रन दिए जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ और भी नियम है। अगर गेंदबाज 15 मिनट से ज्यादा मैदान से बाहर रहता है या वो उतने समय तक बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, पारी खत्म होने के बाद यह काफी जटिल नियम बन जाता है। इसका इस्तेमाल 2007 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में किया गया था, जहां सचिन तेंदुलकर पहली पारी में 18 मिनट तक मैदान से बाहर थे। भारत ने 2 विकेट जल्दी खो दिए थे और तेंदुलकर को बल्लेबाजी के लिए जाना था, पर वो 18 मिनट तक नहीं जा पाए थे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।